हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कांग्रेस चुनाव संचालन कमेटी चेयरपर्सन कुमारी शैलजा ने आज होटल क्लार्क समेर में टिकटों के लिए मंथन किया। जैसे ही टिकटों के दावेदारों को इसकी भनक लगी, होटल में उनका हुजूम उमड़ पड़ा। जैसे ही शैलजा वहां पहुंची, दावेदार उनसे मिलने के लिए टूट पड़े। ऐसे में वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। होटल मैनेजमेंट को पुलिस बुलाने की चेतावनी देनी पड़ी, जिसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी सदस्य शाकिर सरादी ने दावेदारों को होटल की लॉबी से जैसे तैसे बाहर निकाला, लेकिन बार पोर्च और लॉन में दावेदारों ने डेरा डाल लिया। वहीं दावेदारों ने अपने अपने तरीकों से टिकटों के लिए दावेदारी जताई। एक प्रत्याशी कई ढोल वालों को लेकर होटल में पहुंच गया, जिसे होटल मैनेजमेंट ने कस्टमर्स के परेशानी का हवाला देकर बाहर किया। वहीं कई दावेदार शैलजा को सभी से राय मशविरा के बाद टिकट देने की मांग को लेकर पहुंचे। नागौर की जायो विधानसभा के कांग्रेस नेताओं ने पूर्व मंत्री मंजू मेघवाल की शिकायत शैलजा से करने पहुंचे। जायल के पूर्व प्रधान और ब्लॉक अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि मंजू मेघवाल पार्टी के पदाधिकारियों को नहीं पूछती, अगर उन्हें टिकट दिया गया तो पार्टी को हार का सामना करना पड़ सकता है। जयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।